वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब जो है ना फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई आज है फ्राइडे और आज फ्राइडे है, तो जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि ब्रह्मा वर्षा की एग्जाम हो गई है, आशीष का एक एग्जाम बाकी है, कल सैटरडे को उसका भी जो है ना लास्ट एग्जाम है। तो सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ ऐसे बच्चे यू नो घर पे रहते हैं तो उन्हें भूख भी थोड़ी ज्यादा लगती है, स्पेशली इवनिंग आवर्स में। तो होली का टाइम है, होली में हम बनाते भी हैं डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स। तो मैं जस्ट प्लान कर रही हूँ कि आज क्यों ना होली के जो नाश्ते होते हैं ना, हम सूखे नाश्ते बनाते हैं जो कि काफी दिनों तक खराब नहीं होते, तो वैसा कुछ नाश्ते बनाने के जो है ना प्लान में हूँ मैं। बिकॉज बच्चों का नहाना, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है और खाने में मैं जो है ना आज बिल्कुल सिंपल सी प्लेन खिचड़ी का प्लान कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी एंड क्योंकि जब भी मुझे जो एक्स्ट्रा काम होता है ना कुछ भी, तो मैं क्या करती हूँ ना कि नाश्ता लंच होता है ना बहुत सादा सा बना देती हूँ, जो कि जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी हो, बच्चे भी खाएं। और मेरे बच्चे तो खिचड़ी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन दही साथ में होनी चाहिए, बिना दही के नहीं। तो दही खिचड़ी जो है ना बच्चों के लिए बना लूँगी सोच रही हूँ, और ये नाश्ता बना लेती हूँ जो होली के स्नैक्स होते हैं ना, ड्राई स्नैक्स। तो चलिए फिर होली की तैयारी करते हैं, क्योंकि होली रंगों के साथ साथ ना बहुत सारे व्यंजनों का भी त्यौहार होता है, बहुत से व्यंजन जो होते हैं हम खाते हैं होली में, राइट। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी सूजी के नमकीन मसालेदार काजू। इसके लिए मैंने 2 कप पतली वाली सूजी ली है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है ना तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लीजिए। और अब मैंने इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाला। आप चाहे तो गेहूं का आटा और सूजी इक्वल भी डाल सकते हैं, या फिर डबल आटा आधी सूजी भी कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें नमक डाला स्वाद अनुसार और 1 चम्मच जीरा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल, जो कि 4 टेबलस्पून के बराबर है। और अब इसे जो है ना अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। मोयन के लिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो डालडा या फिर शुद्ध घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम जो है ना आटे में अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लेंगे। काफ़ी क्रिस्पी, करारी और टेस्टी से जो बनते हैं ये ना मसालेदार सूजी के काजू, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी हमने मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, बस 2 कप सूजी और 1 कप आटा। आप चाहे तो इसे उल्टा भी कर सकते हैं, 2 कप आटा 1 कप सूजी, या फिर आटा सूजी सेम सेम। तो इस तरीके से मैंने जो है ना मोइन को अच्छे से मिक्स कर लिया, और देखिए इस तरीके से मुट्ठी बच जानी चाहिए, मतलब मोइन परफेक्ट है। और अब मैं इसमें जो है ना पानी डाल के इसका आटा गूंथ लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और इसका आटा यहाँ पे गूंथ के तैयार कर लूँगी। पूरा का पूरा 1 कप पानी इसमें लग गया। लास्ट में मैंने इस तरीके से इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे जो है ना ढक के थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि सूजी जो है ना पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है, पानी में थोड़ी सी फूल जाती है। तो थोड़ी देर के बाद हम लगभग इसे 5-7 मिनट ही रखा मैंने, और इसे जो है ना अच्छे से गूथेंगे और इसका जो है ना थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। इसमें अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप 1-2 चम्मच पानी और डाल लीजिए, क्योंकि रखने के बाद सूजी जो है ना थोड़ी सी थिक हो जाती है, पानी अब्सॉर्ब कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच पानी और डाल के इसका जो है ना आटा रेडी कर लिया। देखिए इस तरीके से अब मैंने जो है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद हम जो है ना इसकी एक मोटी सी लोई लेंगे और उसकी जो है ना हम थोड़ी थिक सी रोटी बेल लेंगे,
नॉर्मल जो रेगुलर रोटी होती है ना, उससे हमें इसकी थिक सी रोटी बेलनी है। देखिए इतनी थिक आपको जो है ना रोटी बेल के रेडी करनी है। और आप किसी भी बॉटल के ढक्कन से, आप इस तरीके से बॉटल का ढक्कन लीजिए और इस तरीके से कट करके इसका जो है ना काजू के शेप के पीसेस आप कट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आप किसी भी कटोरी, छोटी छोटी कटोरियाँ होती है ना चटनी की अक्सर, उससे या फिर किसी भी सॉस की बॉटल से या इस तरीके की किसी भी बॉटल के ढक्कन से आप इसके छोटे छोटे, देखिए बिल्कुल दिखने में लग रहा है ना काजू का पीस, तलने से क्या होता है ना ये थोड़ा सा फूल जाता है, तो बिल्कुल काजू के शेप में ये सेट होके आता है। में मैंने जो है ना सारे ये शेप बना के यहाँ पे रख दिए। ये आपस में चिपकते बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा मोयन डाला हुआ है, तो इसका शेप जो है ना बरकरार रहता है और आटा भी बहुत ज़्यादा नरम नहीं है तो प्रॉपर शेप में ही रहता है। और यहाँ पे तेल को मैंने चेक कर लिया तो तेल भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये सारे काजू जो है ना हमने बेले हैं इसे डाल के तल लेंगे। आप पूरे इस तरीके से उठा के तेल में डालिए, गर्म गर्म तेल में जो है ना ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है, सेपरेट होके एक एक काजू का जो है ना प्रॉपर शेप में बाहर आता है। और इसे आप बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिए बिगनिंग में, एंड देन थोड़ी देर के बाद इसे फुल फ्लेम पे करके तल लीजिए। से इस हद तक जब इसका कलर आ जाए ना थोड़ा सा सुनहरा, तब आप तेल में से इसे निकाल के और किसी भी प्लेट में अलग कर लीजिए। और जब ये पूरे काजू तल जाए और लास्ट में एक राउंड जब काजुओं का बाकी होगा उस स्टेज में हम बनाएंगे मसाला। तो मसाले के लिए मैंने जो है ना इसमें डाला है 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच रेगुलर सॉल्ट व्हाइट सॉल्ट और 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट से काफ़ी चटपटा सा स्वाद आता है। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और इस मसाले को आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और एक राउंड जो हमारा कढ़ाई में बाकी है ना उसे भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें गर्मा गर्म काजुओं के ऊपर मसाला डालना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट में जब एक राउंड बाकी हो उस समय आप मसाला बना लीजिए। और अब इन गर्मा गर्म काजुओं के ऊपर हम डालेंगे ये चटपटा मसाला, तो उससे क्या होता है ना कि गर्मा गर्म में ये अच्छे से चिपक जाती है। तो फ्रेंड्स इसके साउंड से ही आपको पता लग गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी करारे बने हैं और काफ़ी मसालेदार चटपटे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आराम से आप इसे ना कई हफ्तों तक स्टोर करके रखिए और इसका आनंद लीजिए। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी के लिए, जिसके लिए अगेन मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1/2 कप मैंने इसमें लिया है बेसन। और अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले वगैरह। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच सफ़ेद तिल, अब चाहे तो काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए एंड उसके बाद
नमक डाल के हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ब्लैक पेपर का पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप ऑयल। ऑयल हम डालेंगे इसमें मोइन के लिए, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर डालडा। और आप इसे अच्छे से मिक्स करके इसका जो है ना आप दो तैयार कर लीजिए। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 उबले हुए आलू। आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके यहाँ पे रख लिया था। इस तरीके से आप ग्रेटर से ग्रेट करके डालिए, आप इसे ग्रेटर से ही ग्रेट करिए, बिकॉज़ उससे क्या होता है ना आलू का बिल्कुल भी चंक्स वगैरह इसमें नहीं रहता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो इसमें मैंने दोनों आलूओं को जो है ना कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लिया। और अब हम इसका आटा गूंथ लेंगे। इस आटे में बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डलता है क्योंकि उबला हुआ आलू भी जो होता है ना काफ़ी उसमें भी मॉइस्चर होता है, सॉफ्ट होता है। तो बस इस तरीके से आप इसका जो है ना डो तैयार कर लीजिए। और अब इस डो को भी हम ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ज़्यादा देर हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि बॉयल आलू भी हमने इसमें ऐड किए हैं तो वो भी अपना जो है ना पानी रिलीज़ करता है। तो बस इसे जो है ना हम 2-4 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। एंड उसके बाद तो इसकी छोटी सी मैंने जो है ना लोई ले ली। और अब इस बचे हुए आटे को हम ढक के रखेंगे ताकि आटा सूखे ना। और अब इसकी जो है ना आप अंडाकार की एक रोटी बेल लीजिए। बिल्कुल आपको गोल नहीं करना है, थोड़ी सी आपको जो है ना लंबे शेप में इस तरीके से बेल के ये पतली सी रोटी तैयार कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा शेप का ये जो है ना नमक पारा बन के तैयार होता है। आप इसे नमक पारा बोलिए या फिर क्रिस्पी पापड़ी बोलिए, आप जो भी नाम दीजिए, बट बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरीके से मैंने इसे बेल लिया। और अब किसी भी पिज़्ज़ा कटर से या चाकू की हेल्प से आप इसे जो है ना देखिए इस तरीके से आप इसमें कट्स दे दीजिए। ऐसे पट्टियों को आपको कट करना है, बिल्कुल ये कनेक्टेड रहे इससे बिल्कुल आर पार मत करिएगा, बीचों बीच आपको कट करना है। देखिए बिल्कुल जुड़ी हुई है इस रोटी से ये सारी पट्टियाँ, और उस तरीके से आपको जो है ना कट करना है इसे। तो अब इसे आप उठा लीजिए और इस तरीके से देखिए इस तरीके से आपको उसको फोल्ड करना है, पूरा रोल 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 करते जाइए। एंड देन लास्ट में जो कॉर्नर है ना उसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबा दीजिए। तो इस तरीके से जो है ना ये सारी हम जो होली का स्नैक्स है इसे बेल के रेडी कर लेंगे। मैं आपको एक और यहाँ पे बेल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप छोटी सी लोई लीजिए और इसे जो है ना बेल के आप अंडाकार शेप में आप इसे बेल लीजिए। बिल्कुल सिलेंड्रिक शेप में आपको इसे बेलना है। हल्का सा मैंने जो है ना इसमें आटा लगा लिया, आपको ज़रूरत हो तो आप लगाइए, अदरवाइज ऐसे भी आप बेल सकते हैं, आपके ऊपर है। और जैसे कि मैंने बताया इसमें हमने बॉयल पोटैटो यूज़ किए ना तो ये आटा रख के नरम होते जाता है। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हाथ चलाना है आपको, एक बार आटा गूंथ लिया तो जल्दी जल्दी से बेल के इसे रेडी करना है। तो इस तरीके से देखिए आपको पट्टियों को कट करना है, बट ये कनेक्टेड ही रहे, आर पार कट मत कर दीजिएगा पूरा। और अब इसे आप इस तरीके से जो है ना रोल करके और इसे बीच में ना जो है मैं खड़े खड़े थक गई हूँ तो मैं ये सारी प्रोसेस बैठ के करूँगी। तो नीचे मैंने जो है ना चटाई भी छा ली और नीचे बैठ के अब मैं ये सारे जो है ना बेल के तैयार करती हूँ। और ये देखिए मेरे लिटिल चैम्प्स मेरी हेल्प कर रहे हैं सब कुछ बनाने में। वर्षा जो है ना बहुत एक्साइटेड होती है, इस टाइप के जितने भी काम और एक्टिविटी रहते हैं ना उसे बहुत मज़ा आता है मेरे साथ बैठ के देखने में। और ब्रह्मा जो है ना लेट के यहाँ पे फन कर रहा है। यहाँ पे जो है ना मैंने ये सब बेल के रेडी कर लिया। थोड़ी सी मैंने ना लास्ट में कुछ पापड़ी और कुछ इस तरीके से सलोनी भी बनाई है। ये यहाँ पे बेल के रखा है ताकि सूख ना जाए। और यहाँ पे कढ़ाई भी ऑन कर दी है
और अब साइमल्टेनियसली जो है शाम की चाय भी चढ़ा देती हूँ। टाइम हो चुका है यहाँ पे 4:00 हो चुका है, तो साइड बाय साइड अब मैं चाय भी चढ़ा दूंगी। गर्मा गर्म तेल में इसे डाल के हम जो है ना इसे डीप फ्राई कर देंगे। और देखिए जैसे ही हम इसे तेल में डालते हैं ना, तो इसकी सारी जो पट्टी है ना स्ट्रिप्स है खुल खुल के ना अलग होने लगती है और फुली फुली सी बनके तैयार होती है। बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद, बहुत ही देखने में ना अट्रैक्टिव सा लगता है और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। वैसे बेसिकली ये सारी रेसिपीज मैदे में बनती है, बिकॉज मुझे मैदा अवॉइड करना था तो मैंने जो है ना सूजी गेहूँ का आटा और बेसन का इस्तेमाल किया है। और इसे जो है ना पहले आप मीडियम टू लो फ्लेम पे तलिए ताकि अंदर से अच्छे से सिक जाए, एंड देन उसके बाद आप इसे जो है ना हाई फ्लेम पे अच्छे से तल लीजिए ताकि इसका जो है ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और साइमल्टेनियसली जो है ना मेरी चाय भी बन रही है, शाम का टाइम हो चुका है, तो बस चाय के साथ ये गर्मा गर्म स्नैक्स खाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए। तो तैयार है यहाँ पे आटे और बेसन से बने हुए नमक पारे, जिसे हम तो करेला कहते हैं। हमारे घर में इसे करेला कहा जाता था बचपन में, मम्मी बहुत बनाती थी, बट मैदे के आटे से बनते थे मोस्टली, मैदे से ही बनते थे ये मोस्टली। और मैंने मैदा स्किप करना था तो आटे और बेसन का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स ये था होली स्पेशल मेरा स्नैक्स। फ्रेंड्स सारे स्नैक्स जो है ना, सारे सूखे नाश्ते के आइटम बन गए मेरे, शाम के बज चुके हैं 5 और सब जो नाश्ते ने बहुत ही टेस्टी बने। हमने जो है ना भोग लगा के चाय के साथ अभी टेस्ट किए, सब बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही हेल्दी है बिकॉज हमने इसमें मैदा वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, सूजी आटा यही सब। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा होली में ये स्नैक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, और आप बताइएगा कि कैसे बने कैसे लगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।